क्या है इसमें? KFC से पीस तो बहुत बड़ा साइज का। हाँ यस सर। ओके, ये पेरी पेरी मसाला है। ये तो पेरी पेरी मसाला है। पेरी पेरी मसाला डाले तो इसका टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी डार है। फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीत, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ऐसे आपने KFC में फ्राइड चिकन खाया होगा। आज मैं आपके लिए ऐसे एक चीफ ऑप्शन लेकर आया हूँ। जैसे कि सबको पता है KFC एक फॉरेन ब्रांड है, वैसे 5-स्टार एक इंडियन बेंगलोर बेस्ड ब्रांड है, जहाँ पे KFC जैसा फ्राइड चिकन आइटम कम रेट में मिलता है। ऐसे कॉली हट भी एक इंडियन ब्रांड है, जहाँ पे बहुत अच्छा स्पाइसी कबाब मिलता है। तो हम कॉली हट 5-स्टार का एक आउटलेट पे गए थे, उसके किचन में हमने देखा कैसे बनता है ये फ्राइड चिकन एंड कबाब। चलिए आपको भी दिखाते हैं और बात करते हैं उसका प्रिपरेशन के बारे में। मेरा नाम नवीन है। नवीन, कितना दिन हुआ ये शॉप ओपन करके? 3 महीने हो गए। 3 महीने। आपका शॉप का नाम? 5-स्टार कोली हट। कोली या तो स्पेशल है उसको नाम रखने का? स्पेशल रखने के लिए वो तो फ्रेंचाइजी है। ओके। वो तो ब्रांडेड का है। 5-स्टार कोलेट बोलता है तो ब्रांडेड है। बेंगलोर का हेड ऑफिस है मेरा पास। अपने के पास सी भी मैरिनेटेड है, चिकन पीसेस, लेग पीसेस, बर्गर्स, रोल्स। ओके। इसमें रोल्स में स्पेशल तंदूरी चिकन रोल। ओके। तो अच्छा रहता है। और कुछ स्पेशल है आपके पास? स्पेशल और कोली हट में पेपर चिकन है, कबाब है। ओके। इसमें पेपर चिकन कितना है कॉस्ट है? कितना? 50 रुपीज़ कॉस्ट है इसका। कितना पीसेस आता है? 6 पीस आएगा। 6 पीस आता है। और कालमी कबाब एक बोला ना? कमली कबाब 1 पीस है, 60 रुपीज़ है उसमें। 60 पीसेस। और तो स्पाइसी आइटम है पूरा। स्पाइसी है। स्पाइसी आइटम कोली हट बोला तो स्पाइसी आइटम। ये पेपर चिकन जो ड्राई आइटम आता है? हाँ, ड्राई आइटम। वो तो क्रंची। क्रंची है। कैसे रेस्पॉन्स है यहाँ का लोगों का? थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है रेस्पॉन्स। अच्छा है। ये क्या है भैया? ये तो 5-स्टार है, क्रंची का आइटम है। ओके। पूरा इसका आइटम्स पूरा टाइमर से है। टाइमर्स बोले तो टाइमिंग थाई क्रिस्पी 12 मिनट्स कंपलसरी, ऑयल में फ्राई करने के कंपलसरी। ओके। थाई क्रिस्पी और क्रंची मसाला 12 मिनट्स और होल मस्कल पैटी 5 मिनट्स। ओके। चिकन नगेट्स 5 मिनट्स, स्ट्रिप्स 5 मिनट्स। ओके। फ्रेंच फ्राइज 4 मिनट्स। ओके। ऐसा रहेगा ये पूरा आइटम। वो जो मेनू कार्ड का हिसाब से उतना टाइम ही कुक करना पड़ेगा उसको, फ्राई करना पड़ेगा। वही टाइम मेंटेन करने का, करंट टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के। ओके ओके। जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स कंपलसरी मेंटेन करने के। ओके ओके। ये तो 5-स्टार का है। ओके। और नेक्स्ट दूसरा वाला ये तो कोली हट है। हाँ, कोली हट। ये तो स्पाइसी आइटम पूरा। ओके। बेस्ट कबाब इन टाउन। ओके ओके। अपना का चिकन कबाब। हाँ हाँ। 3 मिनट ऑयल में फ्राई करना कंपलसरी। ओके। एज पर स्टैंडर्ड, एज पर कंपनी। ओके। यू हैव टू मेंटेन दिस आइटम। ओके ओके। और क्रंची मसाला और चटनट चिकन, पेपर चिकन। ओके। पूरा 2-2 मिनट 3-3 मिनट्स कंपलसरी मेंटेन करना है उसको। ओके। आप टाइमर देके सेट करते हैं कैसे फिर उसको? टाइमर सेटिंग करते हैं कंपलसरी। ओके। टाइमर सेट करके वो हिसाब से प्रिपरेशन आप ऑयल में डालने के टाइम पे। हाँ। तो टाइमर कंपलसरी चेक करने के। ओके। नहीं तो अपन को पूरा क्या होता है, ब्लैकिश हो जाता। ओके। उसका प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं बनता है। सही बनता। ओके। ये क्या है? चिकन पीसेस। चिकन पीसेस है। फिंगर्स है? हाँ फिंगर्स। ओके। फिंगर्स है, क्रंची मसाला है। ओके। नगेट्स है। ओके। ये क्या है? ये तो हॉट एंड स्मोकी है। ओके। इसमें क्या क्या डाला है इसमें? इसमें क्या क्या है? काले एक पीस है और एक चेस्ट पीस है इसमें। ओके। पूरा पाउडर रहता है, कॉर्नफ्लोर का पाउडर रहता है, इसमें मिक्स करके डाल देना क्या उसको। ओके। और मसाला वगैरह कुछ डालते हैं यहाँ पे? हाँ मसाला है, ये तो सीपी मैरिनेट बोलते हैं इसका। क्या है वो? सीपी मैरिनेट बोलता है, पेरी पेरी पाउडर। ओके। उसको मिक्स करके डालते हैं? हाँ इसको मिक्स करके डालते हैं। ये क्या है? हाँ, अगर होने के बाद डालना क्या है ऊपर? वो रेडी होने के बाद उसको डालते हैं। ये तो टेस्टी का है। ओके। ये क्या है? ये तो कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर ये वाला। ये क्या है भैया? ये तो पेरी पेरी पाउडर बोलते हैं। पेरी पेरी पाउडर है। ये डाले तो टेस्ट इंक्रीज होता है। ये नॉर्मल पीसेस है चिकन का? ओनली कॉर्नफ्लोर डाल के उसको ड्राई किया है। ये लेग पीसेस है। लेग पीसेस है।
उसको ऐसे निकलता है, ड्राई हो जाता है पूरा। ये क्या है, चिकन का पीसेस है? ये तो फिंगर्स है। ये फिंगर्स है? हाँ, चिकन फिंगर्स और दो नगेट्स है। ओके, दोनों लेग्स है वो? नहीं, वो तो चेस्ट पीसेस है। चेस्ट पीसेस है। ये चेस्ट पीसेस है? हाँ, चेस्ट पीसेस है। इसको क्या बोलते हैं आपका आइटम? उसमें क्रंची मसाला बोलते हैं। क्रंची मसाला। चेस्ट पीसेस में मसाला डाला तो नहीं तो इसे उसको डाल दिया ऑयल में? हाँ, नहीं वो मिक्स करने के, कॉर्नफ्लोर पहले मिक्स करने के। कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डाला उसमें? ये वाला क्या है? ओनली लेग पीसेस है? लेग और नॉर्मल पीस है। लेग पीस है, नॉर्मल पीस है। ये क्या है आइटम इसका? ऑटन स्मोक है। ओके, इसको भी कॉर्नफ्लोर का साथ डाला? हाँ, कॉर्नफ्लोर का। ये लेग पीस है? और लेग पीस। ये हो गया क्या? काले में क्या है भैया? ये तो पेपर है। पेपर चिकन है? पेपर चिकन। मसाला का साथ पहले रेडी कर रहता है उसको? हाँ, मिक्स करके रहता है। पहले मिक्स करके रखते उसको? कितना दिन से रेडी करके रखते उसको? एक दिन। वन डे पहले ना? डे बाय डे। डे बाय डे, एवरी डे उसको रेडी करते हैं? डे बाय डे। ऑर्डर आया था इमीडिएटली उसको फ्राई करके देते हैं? ऑर्डर में ना, अब ऑर्डर बोले तो। ओके, मैं दे देता हूं। ओके ओके। एक दिन में पहले रेडी करके उसको फ्रिज के अंदर डालते हैं, तो ऑर्डर आया तो इमीडिएटली निकाल के उसको ऑयल में फ्राई करते हैं। ये क्या है? ऑयल है ना इसमें? ओनली ऑयल है। ऑयल में उसको मसाला का साथ पहले रेडी के ऊपर रहता है, रेडीमेड रहता है अंदर में, रेडीमेड रहता है। निकाल के जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से ऑर्डर बना के देते हैं। जो भी मेनू कार्ड में आपका है सब कुछ रेडी रहता है आपके पास? रेडी रहता है। और ये आइटम तो करने का, क्रंची आइटम करने का है? क्रंची आइटम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा कंपल्सरी। ये कोलेट ऑलरेडी मिक्स करके रहता था। ओके ओके। डेली हर दिन प्रिपेयर करते हैं आप? हर दिन, एवरी डे को एवरी डे प्रिपेयर करते हैं। ओके। उसको थोड़ा अच्छा पकने के लिए ऐसा कट करते हैं, थोड़ा ऑयल अंदर जाने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। ओके। ये वाला रेडी हो गया? ये वाला रेडी हो गया। पास कर दिया।
हमारा सामने ही ये काबली कबाब एंड पेपर चिकन बन गई, वही है ना, इट्स वंडरफुल। इसमें क्या वही पेरीफेरी मसाला ही डाल रहे हैं? हर आइटम में डालते हैं क्या पेरीफेरी मसाला? डालने के ओके डाले तो टेस्ट थोड़ा दूसरा टेस्ट आता है इसके। ओके ये हमारा काबली कबाब पेपर चिकन, पेपर चिकन। ये पेपर चिकन है? तो पेपर चिकन। ओके हाँ उसका नौकरी ये कल कलमी कबाब, कलमी कबाब। दोस्तों हमने 5 स्टार से चिकन फिंगर, चिकन स्ट्रिप्स लिया था और कॉली हट से पेपर चिकन एंड कलमी कबाब लिया था। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, फ्राइड चिकन ज़्यादा अच्छा था, कबाब थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था, फिर भी प्राइस के हिसाब से टेस्ट और क्वालिटी अच्छा था। दोस्तों आप अगर KFC जैसा फ्राइड चिकन चीप रेट में खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।